नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की सुर्खियों पर। भारतीय स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप पर किया पलटवार, कहा मैं मुक्कों से जवाब देता हूं, शब्दों से नहीं। 16 जुलाई को त्यागराज इंडोर स्टेडियम में खेली जाएगी एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट चैंपियनशिप। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी को आईपीएल 2015 में नहीं खेलने के एवज में बीसीसीआई देगा 2,20,00,000 रुपए का मुआवजा। शमी के घुटने में लगी थी चोट, टीम इंडिया को विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचाने में शमी ने निभाई थी अहम भूमिका। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने माना छोटे फॉर्मेट में ठीक नहीं उनकी गेंदबाजी, लेकिन अपने मजबूत पक्ष से वाकिफ। स्विंग को बताया गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का मजबूत पक्ष। टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा ने की विराट कोहली की तारीफ, कहा कोहली ने टीम के भीतर बिल्कुल नया और सकारात्मक वातावरण तैयार किया। विश्व रैंकिंग में खिसके भारतीय स्टार खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा और उनकी स्विस जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस क्वार्टर फाइनल में हारने के बावजूद भी महिला युगल रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। विंबलडन चैंपियन सेरेना विलियम्स अभी भी शीर्ष पर। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज वसीम अकरम ने बताई टीम की कमजोरी, टीम की कमजोर बैटिंग पर जताई चिंता, इंग्लैंड दौरे पर स्विंग मिलने की जताई उम्मीद। ये तो हुई खेल जगत की खबरें, खबरें और भी हैं, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।